अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस दवा के मुतल्लिक बात करेंगे वो है कोपाइवा। कोपाइवा ये ज़्यादातर दवा बलगमी झिल्लियों पर असर करती है, बिलखसूस पेशाब के रास्ते, तनफ्फुस के आलात, जल्द पर ख़ास असर है। छपाकी, नज़ला, ज़ुकाम में ये बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा मिकद में जलन, ख़ारिश, बवासीर की वजह से हो, फोते, ज़की उलहस हों और सूजे हुए हों, मिकद और फ्रेज की ख़ारिश, पीप जैसा अखराज, हैज़ कसीर मकदार में, तेज़ बू वाला, कूल्हे के जोड़ों से चारों तरफ दर्द फैलती है और मतली भी होती है, सांस खांसी के साथ, कसीर सुरमी रंग की पीप और बलगम, खरा और सांस की नाली में सिरसराहट, सांस की बारीक नालियों का नज़ला, सब्ज़ रंग का बदबूदार कसीर अखराज, जल्द पर छपाकी के असरात और बुखार, कब्ज़, गुलाबी दाने, सुरखबाद और पेट के गिर्द सोजिश कोल निशान, ये सब इलामात इस दवा की हैं। जैसा कि पहले मैंने बताया कि ये बलगमी झिल्लियों पर ज़्यादा असर अंदाज होती है, आप अंदाज़ा लगा लें कि ये एलर्जी की एक ख़ास दवा है। ये 1x से ख़ास कर 30 ताकत में इस्तेमाल की जाती है, ज़्यादातर इसे 30 ताकत में इस्तेमाल किया जाता है और 30 ताकत में इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है और ये बहुत ही अच्छी दवा है। यकीनन आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, आप लाइक भी देंगे और मेरे चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथिक को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।